हेलो दोस्तों विजय दोस्तों ये मेरे पास में पी की मोस्ट पॉपुलर एचपी पवेलियन सीरीज का एचपी पवेलियन 15 लैपटॉप जो कि आता है किसर के 7 सीरीज प्रोसेसर के साथ में जो कि हमारे पास में इस ब्लू कलर में है वैसे इंडिया में ये वाला लैपटॉप सिल्वर कलर में अवेलेबल है जिससे कि भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इस लैपटॉप को दुबई से परचेस करा है फॉर अ वेरी स्पेशल प्राइस और इंडिया में भी इसका जो प्राइस रखा गया है वो काफी अच्छा रखा गया है कंसीडरिंग द स्पेक्स ऑफ दिस लैपटॉप बिकॉज ये वाला जो प्रोसेसर है सीधा कंपीट करता है विद द सेवन ट्वेल्थ और थर्टीन जनरेशन प्रोसेसर कैसा निकल

बॉक्स के ऊपर आप स्पेक्स पढ़ सकते हो यह लैपटॉप हमारे पास में AMD के थ्री 7, 7, 7, जीरो पे आठ आठ की दो रैम लगा के रखी हुई है Windows 11 पे इलेवन इंस्टॉल्ड है इंच की की ब्राइटनेस, डिस्प्ले, के स्पीकर सारा ही कुछ बॉक्स के ऊपर लिख के रखा हुआ है जो कि सेम वेरिएंट हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाता है फॉर सिक्सटी फाइव थाउजेंड इंडियन रुपीज एमेजोन के ऊपर अवेलेबल है मैंने अभी ही देखा उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा तो बिल्कुल सेम वर्जन है जो कि मैं रिव्यू कर रहा हूं और भाई मैं इसको यूज कर रहा हूं पिछले दो तीन हफ्ते से लेकर तो एक डिटेल्ड रिव्यू अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ में आ, मैं शेयर कर रहा हूं और ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा जहां पे अच्छा है वहां पर अच्छा बताऊंगा जहां पे बुरा है वहां पे बुरा भी बताऊंगा इस लैपटॉप के डिजाइन के बारे में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तो एज एजाइ साइड लेटेस्ट ब्लू कलर में है इंडिया में आपको सिल्वर कलर में ही मिलेगा ब्लू कलर में ये वाला लैपटॉप को इंडिया में नहीं मिलेगा इसके जो वेट एंड डायमेंशन है का इसका दोस्तों वेट है नॉर्मली अगर नोटबुक सीरीज से कंपेयर करें जो कि एचपी लैपटॉप 15 के नाम से भी आती है वो 1.6 पॉइंट होता है तो उससे 150 ग्राम भारी है लेकिन इसका फायदा ये भी है कि जो पवेलियन सीरीज है उसमें यहाँ पे दोस्तों मेटल बॉडी है यहाँ पे टॉप से भी मेटल है साइड से भी मेटल है नीचे से भी और अंदर जो कीबोर्ड का डेक एरिया है वहां पर भी एलुमिनियम यूज करके रखा हुआ है तो प्रीमियम मेटीरियल यहाँ पे यूज करके रखे हुए है जिसके चलते थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है डायमेंशन सेम है एटीन मिलीमीटर mm की यहाँ पे थिकनेस देके रखी हुई है डिसेंटली ही आ, स्लिम है ये वाला लैपटॉप बात करते हैं पोर्ट्स की तो लेफ्ट साइड में हमें थंडरबोल्ड uh, तो फोर का सपोर्ट नहीं है टाइप सी वाले पोर्ट में थंडरबोल्ट फोर में यहाँ पे हमें फोर्टी पर सेकंड का सिग्नलिंग रेट मिलता है इस वाले लैपटॉप में टेन जीबी का सिग्नलिंग रेट मिलता है जो की थोड़ा सा स्लो है कंपेयर टू दरब फोर राइट साइड में यहाँ पे हमें चार्जिंग uh, पोर्ट मिलता है राउंड वाला और यहां पे पोर्ट एक और देके रखा हुआ है पोर्ट्स में मेरे को यहाँ पे दो शिकायत है दोस्तों सबसे पहले तो इथरनेट पोर्ट डाल सकते थे बिकॉज ये लैपटॉप बहुत ज्यादा भी स्लिम uh, नहीं है दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो uh, चार्जिंग पोर्ट है वो टाइप सी कर सकते थे जो कि राउंड पिन का फिलहाल के लिए करके रखा हुआ है जो कि काफी एक अच्छा रहता है थ्री पॉइंट फाइव मिलीमीटर हेडफोन जैक भी देके रखा हुआ है वैसे कूलिंग के लिए जो फैंस हैं वो यहाँ पे कुछ इस तरफ देके रखे हुए हैं बहुत लोग बोलेंगे कि स्क्रीन में यहाँ पे पड़ेंगे फैन लेकिन ऐसा नहीं है वो एयर निकल जाती है कैसे ना कैसे लैपटॉप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जो की डायल सेवन की बैंडिंग की के ऊपर लोकेट करके रखा हुआ है फिर भाई यहाँ पे बैंगे की ब्रांडिंग भी करके रखी हुई है ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये भाई काफी ज्यादा क्विकली आपके लैपटॉप को अनलॉक कर देता है विदाउट एनी फेल विच इज अ गुड थिंग बात करते हैं दोस्तों एरिया की तो, तो यहां पे आप ट्रैकपैड का साइज देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा ट्रैकपैड देके रखा हुआ है ट्रैकपैड दोस्तों लैपटॉप सीरीज में भी थर्टीन जनरेशन के साथ में बड़ा कर दिया है लेकिन अगर आप लैपटॉप फिफ्टीन का ट्वेल्थ जनरेशन लेते हो आज की डेट में तो वहां पर आपको छोटा ट्रैकपैड मिलता है तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करता हूँ अगर आप लैपटॉप फिफ्टीन लेते हो तो थर्टीन जनरेशन लेना और एस दोस्तों लैपटॉप है मार्केट के अंदर जो की मेटल बॉडी के साथ में आ रहा है की बोर्ड पे बैकलेट वाला मिल जाता है एचपी का मेनरेन टाइप की बोर्ड है यहाँ पे चिकलेट स्टाइल वाला सेबोर्ड है जो कि डिसमीटर mm का की ट्रेवल भी प्रोवाइड कराता है तो काफी एक अच्छा की बोर्ड एंड ट्रेकपेड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा आप टाइप करोगे बहुत एक्यूरेटली uh, टाइप कर सकते हो बहुत ही अच्छा फीडबैक है जो कि आप सुन सकते हो और यहाँ पे जो ग्लाइडिंग एक्सपीरियंस है मल्टीफिंगर गेस्टर्स है सारा ही बहुत ही स्मूथली इस वाले ट्रैकपेड के साथ में वर्क करता है

सीरीज़ वाला 7730 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता सिंगल कोर एंड मल्टी कोर वन सेवन ऑन सिंगल कोर मल्टी कोर में फाइव नाइन सिक्स के स्कोर्स निकल के दिए विच इज वेरी क्लोज टू दई फाइव थर्टीन जनरेशन प्रोसेसर सिंगल कोर के थोड़े से कम है कोर के बहुत ज्यादा क्लोज देके रखे हुए हैं और जो ग्राफिक के स्कोर्स हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो वन वन एट टू एट के, प्रोसेसर इंटेल का जो के रखा हुआ है लेकिन ये वाला बैटरी एफिशिएंट उससे ज्यादा है जो कि हम इसके बैटरी वाले पार्ट में बात करेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों मैंने सिनेमेंस के स्कोर भी रन करे जो की आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर सिंगल कोर में यहाँ पे वन के स्कोर्स देखे रखे हुए इन कोर में 5, 9, 5, के स्कोर रखे हुए इन चार फिर उसे मैंने पे पे डिस्क स्पीड स्पीड टेस्ट करा जहां पे आप राइट एंड रीड अपनी स्क्रीन के देख सकते हो ये भी डिसेंट निकल के आ रही है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्लो भी मैं नहीं बोलूंगा इसको फिर मैंने कितनी देर में इसने वीडियो एक्सपोर्ट कर दी मैंने यहां पे एक ट्वेल्व मिनट की फुटेज एक्सपोर्ट करी जो कि 1080p ए टीपी में मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है तो भाई आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो पांच मिनट से थोड़ा सा ज्यादा ले लिया इसने इसको एक्सपोर्ट करने में विच इज अ डिसेंट इनफ टाइम में बोलूंगा फॉर ट्वेल्व मिनट फुटेज फिर हम बात करते हैं उस स्पीकर तो के बारे में बिकॉज ये वाले लैपटॉप भाई आता है बैगेन ऑलऑफ्सन के स्पीकर के साथ में विच इज अ प्रीमियम ऑडियो ब्रांड एचपी के जो प्रीमियम लैपटॉप होते हैं एचपी पवेलियन सीरीज हो गई एनवी हो गई स्पेक्टर हो गई उनमें सब में बी एंड ओ के स्पीर्स होते हैं कैसे साउंड कर रहे हैं आप आगे देख सकते हो ये थे दोस्तों स्पीकर अब मैंने परफॉर्मेंस वाले पार्ट में आपको बताया था कि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो कम्पेयर टू तो इंटेल वर्जन अच्छी निकल के आ रही है क्यों निकल के आ रही है बिकॉज ये वाला लैपटॉप भाई बनाया गया है KSMC के नैनोमीटर वाले प्रोसेस के आ, साथ में जो की इंटेल के टेन नैनोमीटर से ज्यादा पावर एफिशेंट है 41 वन वोट अवर की यहाँ पे बैटरी लगा के रखी हुई है और 65 फाइव वॉट का चार्जर देके रखा हुआ है सवा घंटे के अंदर अंदर वाला लैपटॉप फुली चार्ज हो जाता है और एक बार चार्ज करोगे तो पांच से घंटे की बैटरी लाइफ ये वाला लैपटॉप निकाल के दे रहा है इन माय टेस्टिंग इंटेल वर्जन इन माय टेस्टिंग चार से पांच घंटे निकाल के दे रहा था तो बैटरी लाइफ इसकी अच्छी निकल के आ रही है वाइल परफॉर्मेंस सेम प्राइस में सेम निकाल के दे रही है लैपटॉप तो उस चीज के साथ में मैं इंप्रेस हूं एक चीज यहाँ पे मुझे कमी लगी विंडोज 11 होम तो यहाँ पे दयाल के रखी हुई है प्रीस्टॉल्ड आती है विद द लेटेस्ट वर्जन लेकिन इंटेल वाले वर्जन के साथ में दोस्तों वगैरह आप बाय करते हो इसको तो वहां पे आपको एमएस ऑफिस होम स्टूडेंट लाइफ टाइम के लिए प्री इंस्टॉल मिलता है उस लैपटॉप के साथ में इसमें आपको दोस्तों बाय करना पड़ेगा अब वो बात अलग है कि मार्केट में क्रैक वर्जन बहुत आ, कम रेट में मिल जाता है लेकिन क्रैक क्रैक होता है ओरिजिनल ओरिजिनल होता है तो वो चीज आपको माइंड में लेके चलनी है कि एमएस ऑफिस इसमें नहीं मिलता है वाइल इंटेल वाले वर्जन में मिलता है जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको नीचे एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा बेस्ट लैपटॉप्स आप जो परचेज कर सकते हो मेरी रिकमेंडेशन उसकी लिस्ट मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को प्रोवाइड कराई हुई है वहां से कोई भी लैपटॉप चेकआउट कर सकते हो कैमरा के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हमें स्टिल सेवन ट्वेंटी बिकॉज वाला लैपटॉप मिलता है जनरेशन वाला उसमें तो एचपी ने भाई टेन का वेबकैम प्रोवाइड कराया हुआ है पवेलियन जो कि एक ज्यादा प्रीमियम सीरीज है वहां पर सेवन ट्वेंटी पी कोई कराया मुझे मालूम नहीं ये दोस्तों एसपी पवेलियन फिफ्टीन वैसे मैंने इस वीडियो में सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया लेकिन एंडिंग लाइन में अगर आपका फिर भी डाउट रह गया हो, तो मैं आपको फिर से इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई परफॉर्मेंस जो है i5 13 जनरेशन की तरह निकल के आ रही है वेबकैम i5 13 जनरेशन एचपी लैपटॉप 15 का अच्छा निकल के आएगा Uh, इसमें मेटल बॉडी मिलती है इसमें बी एंड ओ के स्पीकर मिलते हैं वो चीज इसमें अच्छी है बैटरी लाइफ थोड़ी सी इसमें ज्यादा एफिशियंट इंटेल वाला वर्जन दोनों के ही एमेजोन के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा तो आप वहां से जाकर चेकआउट uh, कर सकते हो इस वाले लैपटॉप को मेरे ओपिनियन में ये एक अच्छा लैपटॉप है फॉर वर्क फॉर स्टूडेंट एंड इवन फॉर होम यूजेज जिसको आप डेफिनेटली कंसीडर कर, कर सकते हो दोस्तों विद दैट साइड दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आप आगे भी इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में कमेंट भी कर सकते हो अगर आपका कुछ भी डाउट है तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में